अभी आप कुछ कह रहे थे लटके वाली बात, सर मेरी तरफ वीडियो बहुत अच्छी थी। नहीं, वो आप क्या कह रहे थे? सिंपल बातें कर रहे थे कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि सपोज यू आर अटेम्प्टिंग अ पेपर इन एग्जामिनेशन, एनी काइंड ऑफ टेस्ट में भी, और आपका प्लानिंग बढ़िया थी, आपने अच्छी पढ़ाई की थी, और अगर किसी इस टाइम सेगमेंट में पेपर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता, पैनिक क्रिएट होता, कई तो ऐसे होता कि लेंथी कैलकुलेशन की वजह से होने लगता है, मतलब दो चार क्वेश्चन साथ में ही आ गए और उनके कैलकुलेशन लेंथी पड़ गए, अब उसमें टाइम बहुत जाता है, उसमें दिमाग जानते हो दो तरह से कार्य करने लगता है क्या, एक तो यही क्वेश्चन कहीं गलत ना हो जाए, अननेसेसरी लंबे कैलकुलेशन में चांस ऑफ एरर हो बढ़ जाता है, और दूसरा दिमाग के अंदर चल रहा होता है अरे यार जल्दी करें जल्दी करें, और क्वेश्चन छूट जाएंगे और क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो ये बड़ा ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है। उस चक्कर में क्या करते हैं आप, कुछ क्वेश्चन पे तुक्के मार के निकलने लगते हैं, और ये और खतरनाक है। हाँ नहीं, ये है, मतलब ह्यूमन नेचर है बेटा। पेपर में अगर आपसे उम्मीद से कभी कोई पार्ट आकर के कंट्रोल में ना हो तो मुश्किल आती है, और द थिंग्स वी आर सेइंग वेरी कैजुअली, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, इट्स नॉट एज सिंपल एज आई एम स्पीकिंग, क्योंकि बातें कहना और उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत फर्क होता है बेटा, क्योंकि आप पेपर दोगे, आप रियल सिचुएशन से डील कर रहे होगे, और मैं उस सिचुएशन से वहां पे नहीं डील कर रहा होता हूँ। लेकिन एक बात ये भी है कि आप स्टूडेंट हो, जब तक आप विद्यार्थी बने रहते हो आप सीखते हो, और सीखने वाले में मतलब अप एंड डाउन्स रहते हैं, तो कोई गलत चीज नहीं है, अप एंड डाउन्स रहते हैं, सभी के साथ रहते हैं। कई बार तो ये होगा जिस चैप्टर की तुमने सबसे बेहतरीन तैयारी की हुई है उसका सवाल गलत होगा, और जिस चैप्टर को तुमने सबसे इग्नोर किया था उसका सवाल सही होगा, बहुत सी जगह आपको मिलेगा, कई चैप्टर्स में मिलेगा। तो एनीवे गुड इवनिंग एवरीवन, जो लोग प्रेजेंट हैं जो लोग एब्सेंट हैं उनको भी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटे। लास्ट टर्न पे हमने टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वो बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब है एक तो आसान है और इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है फ्री। तो अब हमने शायद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज रिंग के लिए बात किया था। हाँ तो बेटा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर चार्ज रिंग का डेरिवेशन क्लास 12th में आपसे पूछा जाता था। इस लेवल पे जहां पर हमें कॉम्पिटिशन के लिए करना है, आप जा रहे हो कॉम्पिटिशन के लिए अटेंड करने, तो डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका एप्लीकेशन, और काफी इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन, राइट। तो हम अगला पार्ट आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। इस एक्सिस पे एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। इसमें मैंने बोला ना बेटा कि हम लोग डेराइव नहीं करने जा रहे हैं, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे आप मुझे आंसर करेंगे। किसी रिंग शेप बॉडी के एक्सिस पर जो ग्रेविटेशन फील्ड होगा, सिमिलर फार्मूला है, केवल 1/4 πε0 की जगह पे जी आ जाएगा, और जहां पर चार्ज होता वहां पर एम आ जाएगा। तो जिन लोगों ने इसके ऊपर ध्यान ना दिया हो मैं उनके लिए बोल रहा हूं, और जिन लोगों ने पहले इसके ऊपर ध्यान दे रखा है वो तो आप जानते हैं कैसे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग एंड ग्रेविटेशन फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग बिल्कुल सिमिलर फार्मूला रखते हैं। तो एक ये चार्ज रिंग है बेटा, सर्कुलर है, फ्लैट मैंने इसलिए बनाया इसको कि इट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो पेपर है बेटा, ये जो व्हाइट बोर्ड है, इसके परपेंडिकुलर रखा है। इसको चार्ज दिया गया जो इसके सर्कमफेरेंस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया है, टोटल चार्ज क्यू है, रेडियस इसका बेटा ए के बराबर हम ले रहे हैं, सेंटर ओ है, और इसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी है, और इसकी डिस्टेंस एक्स है। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो लेट पी बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग, चार्ज अंडरस्टूड है रिंग लिख रहे हैं, एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज नीडेड। इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है, डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमें अप्लाई करना है यहां पर है, और वो होता क्या है आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ए फॉर एक्सिस के लिए है, इट वॉज बेटा 1/4 πε0 जिसको मैं के से मेंशन कर रहा हूं, क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। याद आया सबको, जिन लोगों ने पहले कर रखा है, जिनको नहीं पहले किया हुआ है, या किया तो सबने, 12वां तो सबने पास किया है, लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा तो याद रखें बेटा, क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी समझिएगा बेटा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है
तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसे एक्सिस कहते हैं, इसके अवे होगा लाइक दिस। और अगर बेटा ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसकी डायरेक्शन इसी एक्सिस के अलोंग टूवर्ड्स होता। तो बेटा अगर ये माइनस चार्ज होता तो ईए जो आउटवर्ड है इसकी बजाय इनवर्ड होता, अंदर की तरफ होता। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ ईए इज आउटवर्ड्स, जैसा बताया गया है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग बाहर की तरफ है। करेक्ट? इसके अंदर केस जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस बेटा इसके अंदर जो भी लिए जाएंगे वो सब के सब एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट मैं लगातार बोल रहा हूं। पहला तो ये आ गया बेटा, ये पॉइंट पी जो है जो एक्स डिस्टेंस पे था, अगर ये सेंटर पे होता बेटा, देखिए ये पॉइंट अगर सेंटर पे आ जाता तो एक्स जीरो हो जाता, और अगर हम यहां एक्स जीरो रख देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता। तो यही कर रहे हैं, इफ पॉइंट पी इज एट द सेंटर देन एक्स इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर बेटा ई सेंटर लिख देना सीधे, ई सेंटर बेटा आप देखिएगा ए की जगह सेंटर लिख देना, दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। तो आप ध्यान रख लें, एक चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसका सेकेंड केस भी इंपॉर्टेंट है, इफ एक्स इज क्वाइट लार्जर देन ए, मतलब ये जो दूरी एक्स है इसकी रेडियस ए की तुलना में काफी ज्यादा है, इसका मतलब बेटा ये पॉइंट पी काफी दूर है। तो आप बताइएगा बेटा, इफ एक्स इज लार्जर इट मींस ए इज स्मॉलर, और अगर ए स्मॉलर है तो ए स्क्वायर और स्मॉल होगा, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, लिखोगे देन ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अगर आप ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करें यानी जीरो रखें, तो देयर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए आ जाएगा 1/4πε0qx अपॉन, इसको जीरो रख दीजिए बेटा, एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ये इससे कैंसिल हुआ। तो अगर आप गौर से देखें ये फार्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आपको मैं क्लियर करा दूं, ये एक्स है, ये एक्स के पावर 3 आएगा, एक्स इससे कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर आएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट अ लार्ज डिस्टेंस, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 या इसको इक्वेशन 3 लिख दीजिएगा। बेटे आप समझिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा इस फार्मूले को, चाहे लो चाहे इस फार्मूले को लो, ध्यान से देखो तो ये क्या बता रहा है, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस एक्स। तुम्हें याद करो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, एक पॉइंट चार्ज क्यू अगर है और वो एक्स दूरी पर अगर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता था। तो इससे तात्पर्य क्या निकला बेटा, इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर ये रिंग का रेडियस ए बहुत छोटा हो, देखो ए बहुत छोटा हो, तो उस समय ये रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करती है, या स्टेटमेंट को उल्टा कर दीजिए, अगर ये पॉइंट पी जो है इस रिंग से बहुत दूरी पर हो तो भी रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करती है। राइट? हेंस चार्ज रिंग बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज इफ पॉइंट पी इज एट लार्ज डिस्टेंस। करेक्ट? तो एक चार्ज रिंग जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बर्ताव करने लगेगी अगर ये पॉइंट जो है इस चार्ज रिंग से काफी दूर हो, या चार्ज रिंग का रेडियस डिस्टेंस एक्स की तुलना में बहुत ही छोटा हो। बोले क्लियर है बात? चलो, तो ये तो एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन आई, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप इतना लिख ले तो केस थ्री पे आते हैं। केस थ्री आ गया, क्या है? सुनिए, फॉर ई ए टू बी मैक्स, मतलब आप चाहते हो कि ये मैक्सिमम हो, तो एवरीबडी नोज बेटा कि मैक्सिमा मिनिमा की क्या कंडीशन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। तो वही हम लिख रहे हैं, फॉर ई ए टू बी मैक्सिमम डी बाय डी एक्स ई ए, मतलब ई ए को एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैं आप शुरुआत में सारा लिख देता हूं, लेकिन आप घर पे मन होगा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि पॉपुलर आंसर है इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए टू बी मैक्सिमम इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो, क्योंकि ये मैक्सिमा की कंडीशन है, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करके जीरो रखें तो ऑन सॉल्विंग इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। ऑन सॉल्विंग जानते हो एक्स क्या आएगा, ए बाई रूट टू आएगा,
इवन प्लस माइनस ए बाय रूट टू आएगा। प्लस माइनस का मतलब हुआ अगर ये एक्स की वैल्यू ए बाय रूट टू के बराबर दाहिनी तरफ और रिंग के बाई तरफ दोनों तरफ अगर होगी तो ए बाय रूट टू पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये बेटे आपको याद रखना पड़ेगा। तो आज क्या याद किया आपने, रिंग की रेडियस अगर ए है तो एक्स डिस्टेंस ए बाय रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ठीक है। देयरफॉर एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय रूट टू ई ए इज मैक्स, राइट। तो बेटा अगर हम इस जगह पर एक्स और इस जगह पर एक्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो ई ए की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो आप लिखो देयरफॉर इक्वेशन स्टार बिकम्स क्या आएगा, ई ए मैक्स इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एक्स की जगह रखें ए बाय रूट टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बाय रूट टू का स्क्वायर की पावर 3 बाय टू और सॉल्व करिए। बेटा के की वैल्यू डाल दूंगा मैं तो ई ए मैक्स आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा देखो क्यू ए बाय रूट टू अपॉन, देखो a बाय रूट टू का स्क्वायर a स्क्वायर बाय टू आएगा तो a स्क्वायर बाय टू और a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय टू आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन रूट टू, और यहां पर बेटा देखो बेटा 3 का स्क्वायर उसका रूट टू क्या आ जाएगा 3 रूट 3 आएगा, a स्क्वायर कैंसिल करें तो a क्यूब आ जाएगा और 1 अपॉन 2 का क्यूब करेंगे देखें 2 रूट 2 आ जाएगा, रूट टू कैंसिल होगा 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहां पर आएगा क्यू ए अपॉन, बेटे देखिएगा 2 3 जा कितना आ जाएगा 6 6 रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर कर देते हैं, ये ए को इससे कैंसिल कर देते हैं। तो ई ए मैक्स मैं फिर बताओ बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हो तो ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इस केस 3 के बारे में बिल्कुल टू द पॉइंट बात बताऊं कि क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पी पर था ये मैक्सिमम कब होगा, इसके लिए हमने मैक्सिमा की कंडीशन रखी सिंप्लीफाई किया तो ये आया, ये याद रखो बस इतना ही काफी है। अब क्योंकि एक्स की जगह पर ए बाय रूट टू रखने पर ई ए की मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, ई ए मैक्स ही आ जाता है। एक केस 4 और ले लीजिए, केस 4 देखो, इफ x इज वेरी स्मॉलर देन a, मतलब बेटा ये जो दूरी x है ये a के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, यानी ये पॉइंट बड़ा नजदीक है, देयरफॉर x स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की ये रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाई 2, बेटा एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ इसे नेग्लेक्ट करेंगे इसे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स छोटा नहीं है बेटा, एक्स ए के सामने छोटा है, तो जहां पर एक्स ए के साथ रखा हो वहां पर ये नेग्लेक्ट होगा, यहां अकेले नहीं नेग्लेक्ट होगा। तो बेटा इस इक्वेशन में जो आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई है उसमें एक्स स्क्वायर की जगह जीरो रखिएगा, तो देयरफॉर इक्वेशन स्टार इट विल बी इक्वल टू ई ए इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर आएगा, एक्स को जीरो रख देंगे तो ए स्क्वायर पावर 3 बाय 2 आएगा, ये कैंसिल होगा 2। तो बेटे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए क्यू इंटू एक्स, यानी कि बेटा जब एक्स बहुत छोटा होता है यानी पॉइंट नजदीक होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, तो ई ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आया। देखिए मैं ये बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले रहे हैं, अब थोड़ा सा मैं साइन का भी ध्यान रख के बना रहा हूं ग्राफ, एक्स आपने इधर लिया, यहां पर एक्स की वैल्यू ए बाई रूट टू पर मैक्सिमम थी, देखो ओरिजिन पर या सेंटर पे जीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में चला, फिर आगे जाके कर्व होगा, ये आगे जाके फिर ये कर्व होता और यहां जाके इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता, इट वॉज स्ट्रेट लाइन इनिशियली देन बिकमिंग कर्व एंड मैक्सिमाइज होता है। जब कोई चीज कहीं पर मैक्सिमम है इसका मतलब इसके बाएं और आगे जाके कम होगी और आगे ऐसे ही घटेगा।
सिमिलरली बेटा लेफ्ट में ले सकते हैं, अब ध्यान रखिएगा रिंग बेटा आप ध्यान रखो इधर है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दाहिनी तरफ था, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाईं तरफ है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लेफ्ट में माइनस मान के चले तो ग्राफ का ये हिस्सा नेगेटिव सेगमेंट में डाल सकते हैं आप, इसलिए ग्राफ का ये हिस्सा आप नेगेटिव सेगमेंट में डालिए, ये आएगा माइनस ए बाई रूट टू, ये फिर वही ग्राफ इनिशियली स्ट्रेट लाइन है, देन कर्व मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजिंग लाइक दिस, बोलिए क्लियर है? यस सर। ठीक,